हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मैं नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोज यानी कि पिक्चर्स के जरिए टिकटॉक के लिए वीडियो कैसे बना सकते हैं और उस पर अपनी पसंद का गाना या म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं। ये वो तरीका नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये मुकम्मल डिफरेंट एक अलग तरीका है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ पिक्चर्स को इकट्ठा कर उस पर एनिमेशन या इफेक्ट्स लगाकर टिकटॉक के लिए बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस आसान से और डिफरेंट तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर आज पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाए के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फोटोज से टिकटॉक के लिए प्रोफेशनल वीडियो बनाने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और यहां पर आपने सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और कैपकट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप अगर आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलती तो आप इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टेप नंबर टू के हम यहां पर कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहां पर कोई दो तीन फोटोज में आपको समझाने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसा कि यहां पर मैंने तीन फोटोज, आप तीन से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय द वे। तो यहां पर मैंने तीन फोटो सिलेक्ट कर ली। तीन फोटो सिलेक्ट करने के बाद मैं इन्हें ऐड कर देता हूं। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है टिकटॉक वीडियो का फ्रेम साइज। फ्रेम साइज देने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर राइट स्वाइप करना है, एक्सपेक्ट रेटियो के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहां पर टिकटॉक का फ्रेम साइज जो है 9:16 आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपने पहली फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दो फिंगर से स्वाइप करना है और इसे पूरी स्क्रीन पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने दूसरी फोटो को सिलेक्ट करना है, दो फिंगर से स्वाइप करके पूरी स्क्रीन पर अप्लाई कर दिया। या आप इतनी हिस्से में भी आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसे पूरी स्क्रीन पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद अगली फोटो को सिलेक्ट किया, इसे भी पूरी स्क्रीन पर अप्लाई कर दिया। अब लास्ट में लाने के बाद हमने कैपकट के वाटरमार्क को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया ताकि ये वाटरमार्क हमारी वीडियो में ना आए। तो इन तीनों फोटोज को पूरी स्क्रीन पर अप्लाई करने के बाद मैं आपको एक चीज समझा दूं। एक होता है फोटोज के ऊपर इफेक्ट लगाना, एक होता है ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऐड करना, एक होता है स्टाइल ऐड करना। तो ये तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। फोटोज के ऊपर इफेक्ट लगाने के लिए हम फोटो को सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एनिमेशन के ऑप्शन पर चले जाते हैं। यहां पर एनिमेशन के ऑप्शन पर आने के बाद आपके पास यहां पर एनिमेशन आ जाएंगे जो कि आप अपनी फोटो के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एक एनिमेशन लगा लिया, इसकी टाइमिंग को हम यहां पर मैनेज कर लेते हैं। राइट, टाइमिंग मैनेज की, उसके बाद गुड। उसके बाद अगर आपने इसी फोटो के ऊपर इफेक्ट भी लगाना है तो आपने इस फोटो को दोबारा सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर वीडियो इफेक्ट्स आ जाएंगे। यहां पर आपने वीडियो इफेक्ट अपनी फोटो के ऊपर लगा लेना है। तो यहां पर ये ट्रेंडिंग जो इफेक्ट्स होंगे, यहां पर इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए, विदाउट इंटरनेट ये इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए एक इफेक्ट को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। आपका ये इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम इसे यहां से गुड के निशान पर क्लिक करते हैं। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपके पास जो व्हाइट यहां पर बॉक्स सा छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपने यहां पर क्लिक करना है। ये होता है बेसिकली ट्रांजैक्शन इफेक्ट कि जैसी फोटो खत्म हो तो उसके बाद अगली फोटो जब स्टार्ट हो तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट सा हो जाए। तो यहां पर आपके पास जो प्रो होंगे वो पैसों से आपको लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज यहां पर आपके पास फ्री वाले भी आपको मिल जाते हैं। जैसे कि ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट है, यहां पर ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आपके पास प्ले होगा, इसकी टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ये इफेक्ट आ गया, ओके गुड। उसके बाद हम दूसरी फोटो को सिलेक्ट करेंगे एनिमेशन और स्टाइल देने के लिए, यानी कि इफेक्ट देने के लिए। जैसे कि हमने फोटो को दूसरी सिलेक्ट किया, एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहां पर आपके पास एनिमेशन आ गया। कोई और एनिमेशन हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं। अब पहले हम यहां पर जूम आउट का ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी टाइमिंग को हम मैनेज कर लेते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से आपका यहां पर ये फोटो आएगा। उसके बाद गुड। इसके ऊपर अगर आपने इफेक्ट ऐड करना है तो फोटो आपने सिलेक्ट रखनी है, इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट के ऊपर आ जाना है और यहां पर आपने दूसरा वीडियो इफेक्ट कोई भी जो आपको पसंद हो यहां पर हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम ये इफेक्ट यहां पर ऐड कर लेते हैं, ये इफेक्ट हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी वीडियो पर यह लग चुका है।
उसके बाद अपने गुड के निशान पर क्लिक कर देना है। अब अगला ट्रांजैक्शन इफेक्ट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे व्हाइट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके। यहाँ पर क्लिक किया, कोई ट्रांजैक्शन इफेक्ट और हम यहाँ पर अच्छा सा फाइंड आउट कर लेते हैं जो आपकी फोटो के ऊपर अच्छा लगे। जैसे हमने ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऐड कर लिया, राइट, इसकी टाइमिंग को हम यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद गुड, अब अगली फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे एनिमेशन और यहाँ पर इफेक्ट्स ऐड करने के लिए। फोटो सेलेक्ट किया, एनिमेशन पर क्लिक किया, यहाँ पर हम कोई एनिमेशन लगा देते हैं जो आपको प्यारा लग रहा हो या जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। यहाँ पर जैसे कि ये इफेक्ट लगा दिया, यहाँ पर हम इसकी टाइमिंग को मैनेज कर लेते हैं जी, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर इसकी टाइमिंग को मैनेज कर लेते हैं एंड देन गुड। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद फोटो को हम सिलेक्ट रखेंगे, उसके बाद इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वीडियो इफेक्ट्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हम वीडियो इफेक्ट्स में कोई भी आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग या यहाँ पर लेंस या रेटियो या लाइट इफेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी इफेक्ट अपनी फोटो के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको समझाने के लिए मैं कोई एक ये इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, राइट, ये भी थोड़ा प्यारा भी लग रहा है, तो हम यहां पर इस इफेक्ट को लगा देते हैं। ये थोड़ा सा लोड होगा, लोड होने के बाद आपकी फोटो पर लग जाएगा। तो इस तरह से ये लगेगा। एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहां पर इसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर स्लो मोशन हो जाएगी स्पीड, अगर आप तेज करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके गुड। गुड के निशान पर क्लिक करने के बाद मैंने जो आपको यहां पर इफेक्ट ऐड करना, एनिमेशन ऐड करना और स्टाइल ऐड करना, ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड करना, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। इसमें अभी यहां पर आपने सॉन्ग या म्यूजिक ऐड नहीं करना। म्यूजिक जब भी ऐड करना है अपने टिकटॉक एप्लीकेशन से करना है। हमने इतनी वीडियो बनाने के बाद अब मैंने सिर्फ आपको 3 फोटोज को सिलेक्ट करके वीडियो बनाने का तरीका बताया जो कि 9 सेकंड की वीडियो बने। आप इससे ज्यादा सेकंड की भी वीडियो बना सकते हैं, 15-20 ज्यादा फोटोज को सिलेक्ट करके। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 फोटोज को सिलेक्ट किया और इसे वीडियो बनाने के लिए इसे एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे ही हमारे पास सेफ हो जाएगी फिर हम चलते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन के ऊपर, जिस पर हम जाकर म्यूजिक भी लगाएंगे, ट्रेंडिंग म्यूजिक टिकटॉक पर कैसे लगाते हैं ये भी हम डिसाइड करेंगे, और उसके बाद इसे मैं आपको व्यू टिकटॉक के ऊपर अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये अपलोड होने के बाद बेसिकली क्या स्टाइल देती है, राइट। तो आपने इसे एडिट कर लेना है कैपकट एप्लीकेशन से, और कैपकट एप्लीकेशन से एडिट करने के बाद सिंपली आपने डन करना है। डन करने के बाद इसे बंद कर देना है एंड स्टेप नंबर 3 कि आपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने यहां पर व्हाइट प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्हाइट प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर तो आपने जो अभी वीडियो बनाई हुई है आपने यहां पर गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद जो हमने 9 सेकंड की वीडियो बनाई थी उसे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके पास आपकी ये वीडियो आ चुकी है, राइट। तो ये वीडियो आने के बाद आपने सिंपली ऐड साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपने कोई अपनी पसंद का गाना लगा लेना है जो ट्रेंडिंग होगा। यहां पर तो बेसिकली आपको लिस्ट मिल जाएगी, बट हम यहां पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम कहेंगे कि भाई हम अपनी मर्जी का गाना लगाना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहां पर लिख लेते हैं ट्रेंडिंग। जो ट्रेंडिंग में म्यूजिक है हमें वो म्यूजिक चाहिए भाई। तो ट्रेंडिंग जैसे आप लिखेंगे आपके पास ट्रेंडिंग लिस्ट आ जाएगी टिकटॉक की तरफ से, जो टिकटॉक पर ऑलरेडी वायरल म्यूजिक चल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहां पर ट्रेंडिंग म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, सुन लेना है पहले। अगर आपको पसंद आए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं ये म्यूजिक सुन लेता हूं, प्ले कर लेता हूं, अच्छा म्यूजिक है, तो मैं इसे गुड के निशान पर क्लिक करके ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद आप वॉल्यूम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को अगर है तो आप बंद कर दें, वरना तो जो आपने अभी साउंड सिलेक्ट किया है इसे आप बढ़ा दें या अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करके डन कर दें। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने कहीं पे भी क्लिक करना है और सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर टाइटल देना है, टाइटल देने के बाद आपने इसे अपलोड कर देना है टिकटॉक के ऊपर। जैसे मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद टाइटल दिया, टाइटल देके हमने यहां पर सिंपली पोस्ट कर दिया। तो जैसे ही आप पोस्ट करेंगे आपने जो अभी वीडियो पोस्ट की है, जो 9 सेकंड की मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाई है कि फोटोज के जरिए टिकटॉक की वीडियो कैसे बनाई जाती है, वो यहां पर आपके टिकटॉक एप्लीकेशन के ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर अपलोड हो जाएगी इजीली। और यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि फोटोज के जरिए टिकटॉक की वीडियो कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।